हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं लखनवी मटन बिरयानी की रेसिपी। तो देखिए क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेला बासमती राइस लिया है, और इसको गोल्डन बासमती राइस भी बोलते हैं, और ये उसना चावल होता है बासमती का। और इसको हमने 1 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था पानी में, कि ये उसना चावल है तो इसको भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 1 घंटा कम से कम ज़रूर भिगोएंगे। साथ में यहाँ पर बना रही हूँ मैं बिरयानी मसाला। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी इलायची है, जिसको कि हमने इस तरह से बीज निकाल के रखा है। थोड़ा सा है यहाँ पर जावित्री, थोड़ा सा है जायफल, और थोड़ा सा सौंफ है, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 लौंग है, और यहाँ पर है 4 से 5 इलायची के दाने। डाल देंगे मिक्सर जार में और डाल के इसको हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए ये बिरयानी मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है मैंने, और दूध को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें जो अभी बिरयानी मसाला बनाकर तैयार किया है ना, उसे हम डाल देंगे इस दूध के अंदर में, और डालने के बाद इसको आपको बॉईल करना है। ये बिरयानी काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो देखिए जब तक दूध बॉईल हो रहा है, चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक कुकर में यहाँ पे 1/2 कप तेल डालेंगे। मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे थोड़ी सी इलायची है, लौंग है, और दालचीनी है। डाल के थोड़ा सा सॉटे करेंगे और डाल देंगे इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको कि इस तरह से चॉप कर रखा है। इसको हमको फ्राई नहीं करना है बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मल बिरयानी में हम पहले इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं और ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, पर इसमें ये प्याज उस तरह से फ्राई नहीं की जाती है और ना ही इसके ऊपर डाला जाता है। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक ही इसको फ्राई करना। देखिए हल्का सा यहाँ पर पिंक सा कलर हुआ है, और यहाँ पर 750 ग्राम ही मेरे पास मटन है। तो ये देखिए फैट के साथ हमने मटन लिया है, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। जब तक पानी नहीं सूख जाता है तब तक इसको भून लेना है। और देखिए यहाँ पे अच्छे से हमारा गोश्त है भून गया है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। फिर ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नॉर्मल रेड चिली पाउडर डाला, 1/2 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे सौंफ के पाउडर का। यही इस रेसिपी की सबसे ख़ास इन्ग्रीडियंट है, और धनिया वगैरह इसमें नहीं जाएगा। इसको डाल के आपको अच्छे से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से भून गया है हमारा मसाला। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा दही। तो यहाँ पे हमने दही को फेंट करके रखा हुआ है। और दही का पानी जब तक नहीं ड्राई हो जाता तब तक इसको हम इसी तरह से अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पे गोश्त अच्छी तरीके से भून रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो ये होममेड गरम मसाला है, आप लिंक ऊपर देख सकते हैं, वो मैंने दे दिया, आप चाहें तो वहाँ पे रेसिपी चेक कर सकते हैं। डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 कप पानी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन को लगा कर 2 विसल लगा लेंगे। तो बिरयानी के लिए जो चावल पकाना है, उसके लिए यहाँ पे पानी लिया है हमने, पानी को गर्म होने के लिए रखा है। इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप टेस्ट कर लें, यहाँ पे पानी के हिसाब से नमक अच्छा लगना चाहिए, आपको थोड़ा तेज़ लगना चाहिए, तभी जो चावल है उसमें अच्छे से नमक जाएगा। और देखिए इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। इसमें हम डाल देंगे जो अभी हमने चावल सोख करके रखा था उसे। और इसको अच्छे से हम बॉईल करेंगे और लगभग 90% तक कुक कर लेंगे इसको हम। देखिए 90% तक ये कुक हो गया है। ये वाली बिरयानी बनाना काफ़ी ही आसान है, क्योंकि ये चावल बहुत जल्दी नहीं टूटते हैं। तो चलिए चावलों को ड्रेन कर लेते हैं और इसे हम रखते हैं साइड में। और देखिए मटन भी यहाँ पे अच्छे से पक गया है, और देखिए इसमें का रोगन यानी कि तेल जो है और फैट ऊपर आ गया है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से निकाल लेंगे।
ये जो फैट होता है इसे ही रोगन कहा जाता है, इसको हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसको हम ऐड करेंगे बिरयानी के चावल पर। तो चलिए इसे निकाल के हम साइड में रखते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आधा चम्मच के करीब इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे और ये हम डालेंगे बिरयानी के चावल के ऊपर में। और जो मटन बच गया है इसमें हम डालेंगे जो अभी हमने दूध बॉईल करके रखा था मसाले के साथ उसको, तो इस तरह से छन्नी से छान के डालेंगे ताकि कोई मसाले वगैरह इसमें नहीं आए और बिल्कुल हमें स्मूथ सा टेस्ट मिले इस बिरयानी का। तो चावलों में से हमने पानी निकाल लिया है अच्छी तरह और ये चावल अब हम डाल देंगे इसी गोश्त के ऊपर। काफ़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, एक बार इस बिरयानी को आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है और काफ़ी इजी भी है बनाने में। इसे हम इस तरह से थोड़ा फैला लेते हैं चावलों को और इसके ऊपर हम डाल देंगे जो अभी हमने रोगन निकाल के रखा था ना, जो केवड़ा एसेंस मिक्स करके, उसे हम थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे इन चावलों पर। तो चावल में मैं क्योंकि घी या तेल हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया था तो यही इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाला है। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे पास सैफरन कलर है उसको पानी के साथ घोल के रखा है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर डालने से थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता है, तो ये एडिबल फूड कलर है। इसको डालने के बाद हम ढक्कन को लगाएंगे और देखिए ये सीटी हमने निकाल दी है इसमें से और इसको हम ढक्कन को इसको लगा देंगे। और यहाँ पर एक तवा लिया है हमने, तो कोई भी मोटे तले का तवा ले लें और उसको चूल्हे पर रख दिया है, अच्छा गर्म हो गया है तवा, इसके ऊपर हम रख देंगे इस कुकर को। और पहले 5 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आंच पर ही रहने के लिए देंगे और उसके बाद आधा घंटा के लिए इसको हम इसी तरह दम पे रहने देंगे बिल्कुल कम आंच पर, यानी कि गैस की फ्लेम को लो करने के बाद। और देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। इसे एक बार हम नीचे से ऊपर कर लेते हैं और उसी गर्म तवे पे 10 मिनट के लिए और रहने के लिए देंगे। तो ढक्कन को एक बार फिर से लगा देते हैं और 10 मिनट के बाद देखिए क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। एक एक चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और जो फ्लेवर है वो आप जब खाएंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा हो सकेगा। तो क्या ज़बरदस्त बना है। और ये देखिए मीट भी परफेक्टली यहाँ पे कुक हुआ हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। कमेंट करके ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी इस जैसे कुछ खास रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।